हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी आर्किटेक्ट। माय नेम इज राघवन कुमार। आज हम लोग एक बेसिक और नए टॉपिक के कमांड के तरफ चलेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टैट प्रो के अंदर लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर कई सारे आपके स्ट्रक्चर जो होते हैं अलग अलग, जैसे ट्रस स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर, तो ये कई सारे स्ट्रक्चर इसमें ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। तो हम उनको किस तरीके से लेके अपने ड्राइंग अकॉर्डिंग उनको एडिट करके हम उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। सबसे पहले हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू प्रोजेक्ट बार स्पेस, और जैसा आप लोगों को हमेशा बताया गया, ये जो आपके बेसिक मेथड है, ठीक है, स्पेस आपको चूज करना है, फिर फाइल नेम आपको जो भी डालना है आप वो अपना फाइल नेम प्लेस करेंगे, प्लस इसका लोकेशन यहाँ से। उसके बाद जो आपको अपने ड्राइंग की यूनिट रखनी है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद ये भी आपको बताया गया था कि अगर आप अपने जो एड बीम के थ्रू अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ के जा सकते हैं, ठीक है, प्लेट के थ्रू, सॉलिड के थ्रू। बट मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर जो स्टैट प्रो में अवेलेबल है हम उनको लेके काम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड ऑप्शन में, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फिनिश करना पड़ेगा। फिनिश करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, ठीक है। अभी देखिए आएगा डायलॉग बॉक्स ओपन होके। इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम लोग अपने स्ट्रक्चर की जो एडिटिंग है उसको हम यहाँ से चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये मॉडल टाइप ऑप्शन दिख रहा है। मॉडल टाइप में कई सारे मॉडल हैं, ट्रस, फ्रेम, सरफेस मॉडल, सॉलिड मॉडल्स, ठीक है। तो जिसको आप अलग अलग अपने मॉडल के हिसाब से लेना चाहें। प्लस इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इम्पोर्ट कैड मॉडल्स। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी फाइल ऐसी जो ऑटो कैड में बनाए हैं आप उस फाइल को सेव करके उसके एनालिसिस करना चाहते हैं स्टैट प्रो के थ्रू, तो हम यहाँ से इम्पोर्ट कैड मॉडल ऑप्शन में जाके हम अपने जो जहां पे भी अपने लैपटॉप में हम फाइल सेव किए रहेंगे वहां से मैं कैड फॉर्मेट को यहाँ पे ओपन करूंगा, ठीक है। तो अभी सपोज करिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हर एक अपना स्ट्रक्चर सेव जो होता है, सारे स्ट्रक्चर शेप आपको अलग अलग मॉडल के यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आपको लेके यहाँ, क्या नाम है, फ्रेम मॉडल पे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको फ्रेम मॉडल के बारे में बताएंगे, उसके बाद ट्रस मॉडल बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेम मॉडल चूज करिए। फ्रेम मॉडल चूज करने के बाद यहाँ देखिए कई सारे आपको ऑप्शन दिख गए, बे फ्रेम, ग्रिड फ्रेम, फ्लोर ग्रिड, ठीक है। तो देखिए बे फ्रेम क्या होता है, बे फ्रेम इज अ ओपन बेस 3D स्ट्रक्चर फ्रेम कंसिस्ट ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स, ठीक है। मतलब आपको कोई भी एक ओपन स्ट्रक्चर 3D में चाहिए होता है, ठीक है, ओपन बेस होना चाहिए। मतलब आपको जो जमीन पे, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आप अपना सपोर्ट उसमें देते हैं, ठीक है, या आप अपना ट्रांसलेशन रिपीट जब आप कराते हैं तो ट्रांसलेशन रिपीट में भी आपको बताया गया था कि ओपन बेस ऑप्शन नीचे से आपका क्या रहेगा, वो ओपन रहेगा, जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से बे फ्रेम ऑप्शन को भी ले सकते हैं, ग्रिड ऑप्शन को भी ले सकते हैं, ठीक है। हम आपको ये भी बताएंगे, पहले बे फ्रेम ऑप्शन देखिए, ठीक है। ग्रिड ऑप्शन में क्या होता है, ये भी आपका एक तरीके से पूरी तरीके से बे फ्रेम में सिमिलर होता है, बस इसमें ये रहता है कि आपका जो एक्स जेड प्लेन में जो आप बे फ्रेम में ओपन रहता है वो चीज आपका ग्रिड फ्रेम में क्लोज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे की साइड जो आपके नोड्स हैं वो सारे नोड्स अटैच है, ठीक है, बट बे फ्रेम में नीचे के नोड आपके ओपन है, तो यही डिफरेंस होता है। इसी तरीके से आपका सिलेंड्रिकल फ्रेम है, अगर आपको कोई सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इस शेप में यूज करना है तो आप ले सकते हैं। अगर सिलेंडर आपको वर्टिकल चाहिए तो आप यहाँ से वर्टिकली ऑप्शन पे ये आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सर्कुलर बीम का यूज है आप वहां से ले सकते हैं। अलग अलग मॉडल के जो हमारे स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। हम किन्हीं एक मॉडल को लेकर आपको बताएंगे भी। तो हम सबसे पहले बे फ्रेम को चूज करते हैं। इसको चूज करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक जैसे ही इस पे करेंगे तो ये आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। अब आपको इसमें ये फिल करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपने मॉडल की जो भी लेंथ है, हाइट और विड्थ है, आप उसको सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लेंथ दिख रहा है, तो आप देखिए इसमें क्या होता है कि जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ना, तो इसको तभी हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है जिसका मुझे स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है उसका स्ट्रक्चर और बे फ्रेम का स्ट्रक्चर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम रहेगा तो ही हम यहाँ से ऑप्शन लेंगे, ठीक है। सेम इन द सेंस मतलब मॉडल सेम होना चाहिए, लेंथ विड्थ और हाइट जो होती है वो तो चेंज हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी लेंथ आपको डालना है, जो भी हाइट डालनी है, जो भी विड्थ डालनी है आप उसको डाल सकते हैं। प्लस ये नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ, नंबर ऑफ बेस अलोंग हाइट एंड नंबर ऑफ बेस अलोंग विड्थ,
इसका मतलब होता है कि आप देखिए अभी क्या है कि लेंथ टोटल आपको 12 मीटर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ बेज है इसका मतलब होता है कि आप लेंथ को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हाइट को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। सपोज के लिए आपको 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो आप यहाँ पे 3 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से 3 भी डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब आपको सपोज करिए कि विड्थ में आपकी क्या है 4 पार्ट में डिवाइड है, मतलब सामने आपको रूम जो है वो 4 रूम मैंने दिखा यहाँ पे पार्टीशन करा दिया है, ठीक है। टोटल जो हमारी चौड़ाई रहेगी स्ट्रक्चर की वो हमारी 12 मीटर है। तो इस तरीके से हम अपने ड्राइंग अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये देखिए आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से शो होके आ रहा है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को अपने स्टैट ब्रो के यूजर ग्राफिकल स्क्रीन पे हमें ले जाना है, तो हम उसको कैसे ले जाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एड पेस्ट मॉडल इन स्टैट ब्रो, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। देन यस देन ओके। ये देखिए अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, स्टैट के होम स्क्रीन जिसपे हम सारी वर्क करेंगे वहां पे हमारा ये स्ट्रक्चर शो करने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सिमिलिट्रिकल अपनी जो भी ड्राइंग होती है सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल ड्राइंग को हम अपने यहाँ से ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको फिर से अगर कोई ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिए अभी इस स्क्रीन को, ठीक है। फिर से आप न्यू प्रोजेक्ट में गए, यहाँ से स्पेस लिए, यहाँ से अपना नाम चेंज किए, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा कुछ बताऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप नेक्स्ट किए, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड में गए, यहाँ से जाने के बाद फिनिश किए। फिनिश के बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी, अभी हम लोगों ने क्या किया, बे फ्रेम समझा या फ्रेम मॉडल समझा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेम मॉडल में हम लोगों ने अभी ये सारी चीजें समझी। बे फ्रेम को चूज करके मैंने आपको बताया किस तरीके से आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसी तरीके से सेम आपका यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन भी होगा, देखिए डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आएगा। इसी तरीके से आपका सिलेंडिकल है, सिलेंडिकल की आप लेंथ क्या रखना चाहते हैं, कितने डाया रखना चाहते हैं, कितने एंगल पे आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब सपोज के लिए मैं फ्रेम नहीं, अब हम ट्रस मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है। ट्रस मॉडल के भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, जैसा अभी मैंने बताया। ट्रस मॉडल के लिए आपको यहाँ पे ट्रस में देखिए कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, ब्रिज ट्रस, रूफ ट्रस, ठीक है, कई सारे ऑप्शन है। जिस भी ऑप्शन को आपको लेना होगा आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद सिंपली जैसे डबल क्लिक करके मैंने अभी बताया उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसे अभी सपोज कि मैं ये ले लिया, ठीक है, तो इस पे भी डबल क्लिक मैंने किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी लेंथ देनी है, सपोज के अभी मैं 20 मीटर का लेंथ दे दे रहा हूँ, हाइट मुझे सपोज के अभी 6 मीटर का दे दे रहा हूँ, विड्थ मान लीजिए मैंने 8 मीटर का दे दिया, ठीक है। नंबर ऑफ बेज अलोंग जो है आपका वो डिवीजन भी आपका 3 पार्ट में हो गया, 1 पार्ट में, जो भी आप करना चाहे आप अपने ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। फिर अप्लाई, ये देखिए आपको एक स्ट्रक्चर शेप मिल गया, ठीक है। फिर आप इसको क्या करेंगे, एडिट, एड पेस्ट मॉडल इन स्टैट प्रो, यस, ठीक है, ओके। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर जो सिमेट्रिकल आपका ये स्ट्रक्चर है किसके, जो आपको ड्राइंग में यूज करनी है, ठीक है, तो उसके सिमेट्रिकल है। अब इसको आपको जिस भी डायरेक्शन से देखना है, या तो आप जैसे मैंने पहले के वीडियोस में बना रखा है कि कीबोर्ड के जो आपके 4 एरो बटन होते हैं उनके थ्रू आप देख सकते हैं, या तो अगर आपको यहाँ से देखना होगा, ठीक है, व्यू फॉर्मेट से, ये भी मैंने आपको बता रखा है लास्ट के वीडियोस में। तो व्यू फॉर्मेट पे आप देखिए, अगर आप जेड में जाएंगे तो ये जेड डायरेक्शन से आपका शो करेगा, ठीक है, ये भी आपका देखिए शो कर रहा है। ये देखिए सामने से ऐसा लग रहा है इसमें कुछ नहीं, लेकिन ये तब आ रहा है जब आप एक्स के साइड से देख रहे हैं, ठीक है। फिर जब आप वाई के साइड से देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर टोटल देखना है तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में जाइए, यहाँ पे आपको टोटल दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने स्ट्रक्चर को यहाँ से ले सकते हैं। अब इसमें जो भी आपको एडिटिंग करनी है, जैसे सपोज करिए कि आपको इस बीम पे, अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, मतलब बीम के हम लोग एक सेक्शन डिफाइन करते हैं, लोड वगैरह जो भी आप लगाते हैं, ठीक है। तो इस पे अगर डिफाइन करना है तो यहाँ से गए जनरल में, गए प्रॉपर्टी में, गए डिफाइन में, गए, ठीक है, इसका सेक्शन डिफाइन करना है। सपोज के लिए भी रेक्टेंगुलर सेक्शन मैंने ले लिया 450x250 mm का, तो यहाँ पे हो गया -0.45, ठीक है, इसी तरीके से 0.25। ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता रखी है, फिक्स बीम एनालिसिस वाली वीडियो में, आप वहां से देख के इसको सारी चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। ऐड करिया, फिर क्लोज किया, इसको आपने क्लिक किया, देन
असाइन टू सिलेक्टेड बीन आपको करना है। यहाँ पे आप बीम को सिलेक्ट करिए, बीम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ गया असाइन टू सिलेक्टेड बीम। अगर सिर्फ आपको इसी बीम पे करना है, ठीक है, अगर सारे बीम पे आपको करना है एक ही सेक्शन, तो यहाँ से असाइन टू व्यू ऑप्शन में जाइए, वो ऑटोमेटिकली सारे बीम को ले लेगा, ठीक है। बट आपको इस एक बीम को करना है तो यहाँ से असाइन टू सिलेक्टेड बीम ऑप्शन पे लेंगे, ठीक है, देन असाइन करेंगे, देन यस। तो ये देखिए इसका सेक्शन डिफाइन हो गया। इसका सेक्शन डिफाइन होने की वजह से इसमें देखिए आर लिख के आ रहा है, ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन है। इसको 3D व्यू में आपको चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा है 3D रेंडर्ड व्यू, इस पे आप क्लिक करिए, ये देखिए आपका सेक्शन जो है वो शो करने लगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना सेक्शन में डिफाइन कर लेंगे, फिर आगे का जो प्रोसीजर जो वर्क आपको करना रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग उसको वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कई सारे यहाँ से ऑप्शन हम लोग लेके जो है अपने स्ट्रक्चर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने देखा ये सारे स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रक्चर जो भी लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने फ्रेम देखा, ट्रस देखा, इसी तरीके से आपको सॉलिड में भी आपको देखिए सॉलिड ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं आप उसको यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज आपकी एक क्लास की, आप किसी भी इनबिल्ट फैमिली को यहाँ पे किस तरीके से ओपन अपने स्टैट प्रो के होम स्क्रीन पे लाके उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी दिक्कत होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम को हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तब तक थैंक यू।